बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल 10 क्लास मैथ 1.1 हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हम पिछली वीडियो में किए थे, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक तो हमने ये काम करना है और बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, दो काम हम इसमें करेंगे। तो इसमें पहला काम तो यह है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बताया था आपको, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे और अगर उसमें ये बी जीरो हुआ, यानी ये एक्स वाली वैल्यू ना हुई, आंसर आया ये इस तरह का जिसमें एक्स की पावर 1 मौजूद नहीं होगी, तो फिर हम कहेंगे इसको कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो इसका एलसीएम बनता है एक्स इंटू एक्स प्लस 4, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये इसका एलसीएम है। तो हम इन तीनों रकमों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स, और इन सब को मल्टीप्लाई करना है हमने इसके साथ एक्स इंटू एक्स प्लस 4 के साथ। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इंटू एक्स प्लस 4 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4 के साथ, और 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह से आ जाएगी एक्स इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो ये दोनों कट गई, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4, इधर हमारे पास इनमें से एक्स और एक्स कट गए, बाकी बचा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3, ये बचा है x इंटू एक्स प्लस 3, और इधर बचा है हमारे पास x माइनस 5 और x प्लस 4, x माइनस 5 और x प्लस 4 बचा है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x x क्यूब हो जाएगा, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x x क्यूब आ गया, ये आ गया 3x माइनस। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4x आ गया। अब माइनस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 4 टाइम्स 20, ये भी बनी। इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले दीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x, इनकी लंबे चेंज होगी, इनको लेफ्ट साइड पे ले गए। अब ये x2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, ये वाली दोनों साल हो सकती हैं, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1x आ जाएगा माइनस 20, और ये माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 रह गया। अब ये बन गया x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इसकी लंबी चेंज हो जाएगी, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये वाली भी लंबी चेंज हो जाएगी प्लस 20 रह गया। ये वाला है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर में से ये बची है, ये बनी माइनस एक्स स्क्वायर 3x और 1x 4x 4 माइनस 4, तो ये 0x हो गया, 0x आता है तो उसको मिलकर की जरूरत नहीं, बाकी बचा है हमारे पास प्लस 20 इज इक्वल टू 0। पहली रकम के साथ माइनस आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, माइनस 1 से जरूरत देंगे, ये आ जाएगा एक्स टू माइनस 20, लंबे चेंज हो जाएंगे। पहली रकम के साथ माइनस आ जाए तो फिर हम इसको माइनस 1 से आमतौर पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी आ गई है इस तरह की फॉर्म, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक तो हमने ये काम करना था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, वो हम ले आए, और फिर बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक है। तो देखें इसमें एक्स पावर 1 वाली रकम नहीं आई, एक्स पावर 2 वाली आई है, लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये दो काम ही हम इसमें करने थे, एक इक्वेशन मालूम करनी थी और ये बताना था कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 25 और 12। अब देखें इनका एलसीएम बनता है 12, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, तो इन तीनों को हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाई 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे से खत्म हो जाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने इस वैल्यू को एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को
मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री के साथ, इस दूसरी रकम को भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री के साथ, 25 और 12 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री के साथ। तो इसमें से कुछ रकमें हमें नजर आ रही हैं, कट सकती हैं, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू वाली इनमें से कट गई, इधर से एक्स प्लस थ्री वाली सी एक्स प्लस थ्री वाली कट गई, तो बाकी जो बची इधर हमारे पास ये 12 भी कट गया, तो बाकी जो बची हैं वो हैं 12 इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री बचा है इधर, और इनमें से बचा हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू बचा है, एक जैसी रकमें हैं मल्टीप्लाई होंगी तो स्केयर बन जाएंगे, इधर से बचा हमारे पास 25 इंटू एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री बचा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 एक्स को मल्टीप्लाई करें, या आसान तरीका ये है इसको मल्टीप्लाई करने का कैसे कर लें, देखें पहली रकम को पहले से मल्टीप्लाई करें तो याद आएगा एक्स टू, ये दूसरी रकम जो है प्लस वन और प्लस थ्री है, प्लस वन और प्लस थ्री करें तो प्लस फोर आता है, तो हम देखेंगे प्लस फोर एक्स, आसान तरीका ये है मल्टीप्लाई करने का इस तरह से कर लें, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया और इस दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करें, प्लस वन और प्लस थ्री से प्लस थ्री आंसर आ जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आता है, दरम्यान में इनको प्लस वन प्लस थ्री किया तो प्लस फोर एक्स आ गया, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह से इसका स्केयर खोलेंगे तो स्केयर खोलते हैं हम तो करते हैं पहली रकम का स्केयर, पहली रकम इसमें एक्स है उसका स्केयर एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर करते हैं दूसरी रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, दो का स्केयर चार बनता है वो लगा दिया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस है तो प्लस लगाएंगे, दो और दो चार एक्स आ गया, ये चीज बन गई। इसी तरह से इधर भी इसको कर लें मल्टीप्लाई, पहली को पहले से करेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस दूसरी को दूसरी से करेंगे तो प्लस टू और प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सिक्स आ जाएगा, और दरमियान में प्लस टू और प्लस थ्री को ऐड कर लें ये आपका बन जाएगा प्लस फाइव, तो यहाँ पर आता है प्लस 5x, तो ये मल्टीप्लाई करने का ज्यादा आसान तरीका है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें इसको 12 को अंदर 12x स्क्वायर 12 और 4 48x 12 और 3 36, ये बन गया आपके पास 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर 12 और 4 48x, और ये आपके पास आ गया 12 और 4 48, इधर बना आपके पास 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150, अब ये 12x2 और ये 12x2 24x2 बन गया, 48x और 48x को ऐड किया तो 96x आ गया, x वाली ऐड होगी x की वाली भी ऐड होगी, ये है प्लस 36 और प्लस 48, 36 और 48 को प्लस करें तो 8 और 6 14 4 3 7 8 ये आता है 84, इनका भी आया, इन सबको भी उठा के ले लेंगे, माइनस 25x2 हो गया, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे लेके तो लम चेंज होगी, इसको भी उठा के ले आए प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू जीरो रह गया, ये बना हमारे पास 24x2 और ये वाला माइनस एक्स दो रह गए, प्लस 24 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 1x बनता है 96x और ये माइनस 125, माइनस 125 प्लस 96 करेंगे तो जो बड़ी रकम होती है उसकी लागत 7 आती है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और इधर से आपके पास आ जाएगा 2, ये बनता है माइनस 29x, बाकी बची है 84 और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 66 इज इक्वल टू जीरो, अब पहली रकम के साथ माइनस आ गया है तो वो बताया आपको कि फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन, तो माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी भी लागत चेंज हो जाएगी, इसकी भी चेंज हो जाएगी, और इसकी बिलामत चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए, एक तो हमने ये बनानी थी और साथ ही बताना था कि ये क्या ये प्योर है या नहीं है प्योर, तो चूंकि इसमें एक्स पावर वन वाली रकम मौजूद है लिहाजा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्योर नहीं है, तो ये प्योर नहीं है, यही दोनों काम हम इस क्वेश्चन में करने थे, इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बना के इसको सॉल्व करना है, तो फैक्टर बना के सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हम इसको तरतीब लगाते हैं पावर्स के लिहाज से, तो इसमें तरतीब लगी हुई है एक्स पावर टू
सबसे बड़ी पावर पहले है, फिर एक्स पावर वन है, फिर कांस्टेंट है। तो तरीका ये होता है कि जो रकम यहाँ पर होती है उसको यहाँ पर जो रकम होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर वन है, इसके साथ 20 को मल्टीप्लाई करें वन के साथ, तो आता है 20। 20 को वन से मल्टीप्लाई किया तो 20। इसके फैक्टर बन सकते हैं, एक और 20 20 होता है, दो 10 बार 20 हो सकता है, 4 5 बार 20 हो सकता है। तो इनमें से हम कोई ऐसा जोड़ा ढूंढेंगे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली रकम आए, यानी -1 आए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हम इसके साथ लिखें -5 और इसके साथ लिखें +4, तो आंसर -1 आ सकता है। लिहाजा इसके फैक्टर बन जाएंगे -5x और +4x, उससे हमें -1x आंसर मिल जाएगा। तो फैक्टर बनाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा x² -5x +4x -20=0। तो वो कह रहा था फैक्टर बना के सॉल्व करें, तो हमने 20 के फैक्टर बनाए, -5 + 4, -5 + 4 करें तो -1x ही आता है, ये आता है, हमने इसको ये लिख लिया। अब इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन चला गया एक दफा तो बाकी एक दफा x बच गया, ये वाला x चला गया तो बाकी रह गया 5। यहाँ पर +4 है तो कॉमन आ सकता है, तो बाकी रह गया हमारे पास x और ये -4 5 बार 20, ये हमारे पास ये चीज आ रही है। अब x -5 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन निकाला, ये कॉमन चला गया तो बाकी रह गया x, यहाँ से ये कॉमन चला गया बाहर तो बाकी रह गया +4=0। अब ये दो वैल्यूज हैं जो जीरो के इक्वल हैं, हम x -5 को भी जीरो रख सकते हैं और x +4 को भी जीरो रख सकते हैं, या आपके पास आ जाएगा x = 4 और x = -4। तो आपके पास x के ये दो सॉल्यूशन आए, 5 और -4। तो हमने इसको फैक्टर बना के सॉल्व कर लिया, यही हमने करना था इसमें। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर टू का टू पार्ट, इसमें भी फैक्टर बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है। ये है हमारे पास 3y² = y (y-5). तो 3y² y को मल्टीप्लाई करें अंदर, y और y / 2 आ गया, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -5y आ गया। अब इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3y² इसको उठा के उधर ले गए तो -y² हो गया, इसको उठा के उधर ले गए तो +5y आ गया = 0। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं, y^2 है, +3 और -1, +3 और -1 से +2 आंसर आता है, तो ये दोनों बन जाएंगी 2y² +5y, इसी तरह से साथ आ गया। अब इसमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू आई नहीं इसमें, y कॉमन आ सकता है दोनों से, तो बाकी रहेगा आपके पास 2, एक y आपने बाहर निकाल लिया, एक दफा y रह गया, ये भी y बाहर जा चुका है तो बाकी रह गया सिर्फ 5। ये भी दो वैल्यूज हैं, y भी 0 के इक्वल, और हमारे पास आया 2y + 5 भी 0 के इक्वल आया। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, +5 को उठा के उधर ले गया, -5 हो गया, तो y आ गया आपके पास -5/2। तो आपके पास एक ये सॉल्यूशन आ गया और एक इसका ये आ गया, तो y की वैल्यूज आ गई आपके पास 0 और -5/2। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करेंगे। तो इधर ये +17x² है, बेहतर है कि इनको उठा के उधर ले जाए, या उसको भी उठा के आप उधर लेके जा सकते हैं। तो ये बड़ी रकम है 7x², तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाए, -32x है उधर जाके +32x हो गया, ये वाला प्लस, ये वाला उधर जाके प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको ऐसे निकलें, 17x² + 32x - 4=0। अब इसमें जब फैक्टर बनाएंगे तो वही तरीका करेंगे जो पहले आपको बताया है, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आता है 68। तो 68 के फैक्टर बनाएं तो 34 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, +34 और -2 अगर हम करें तो ये वाला आंसर आ सकता है, +32 आंसर आ सकता है। यही हम इसके फैक्टर बनाएंगे, +34x और -2x, तो ये होगा 17x² + 34x - 2x, -4=0। तो 34 में 2 निकालने तो 32 आता ही आता है, ज्यादा इसको हमने ये लिख लिया, ये फैक्टर बन गया इसके। इन दोनों में से 17x कॉमन आ सकता है, तो बाकी आपके पास एक दफा x बच जाएगा, 34 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, x बाहर कॉमन जा चुका है, इसके साथ माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, 2 और 4 2 पे डिवाइड होते हैं तो 2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन चला गया तो अंदर आएगा सिर्फ x, -2 माइनस प्लस हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आता है।
तो आपके पास ये दोनों सेम वैल्यूज आ गए, x प्लस टू और 17x माइनस टू आ गया इज इक्वल टू जीरो। इनको लेता लेता जीरो रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू नेगेटिव टू और यहाँ से मिला माइनस टू को उठा के उधर ले गए तो 17 उधर नीचे चला जाएगा। ये आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ गया माइनस टू और टू ओवर 17। क्वेश्चन नंबर टू का फाइव पार्ट, x2 माइनस 11x इज इक्वल टू 152। इसको लिखेंगे x2 माइनस 11x, इसको उठा के इधर लेफ्ट साइड पे ले जाए तो माइनस 152 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनाने हैं, 152 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 152। अब ये एक बड़ी रकम है, इसके फैक्टर हमें जबानी जबानी नहीं मिलेंगे, बनाने पड़ेंगे तो इसको फिर डिवाइड कर लें। 152 को ये दो पे डिवाइड हो सकता है, 2 7 बार 14, 2 6 बार 12, 2 से फिर डिवाइड हो सकता है तो ये आ गया 38 और 2 76, फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 और 19। अब मजीद इसको डिवाइड करने की जरूरत कोई नहीं, बाकी आपके पास आ जाएगा 2 2 2 और 19, 2 2 4, 4 2 8, 8 10 19। तो अगर हम ऐसा करें इन तीनों को इकट्ठा कर लें तो 8 आता है और उसको 19 को ऐसे रहने दें। तो अगर हम ये दो फैक्टर बना लें तो हमारे पास माइनस 11 आंसर आ सकता है, यानी हम माइनस 19 और प्लस 8 करें अगर तो हमारे पास माइनस 11 आंसर आएगा। तो यही फिर इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस 19x और प्लस 8x। इसको हम लिखेंगे माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 19, इन दोनों में से ये x कॉमन आया, इसमें से कॉमन आ गया 8, तो बाकी बचा x माइनस 152 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये भी आपके पास 19 ही आएगा। ये दोनों सेम आ गई, x माइनस 19 और x प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू जीरो। दोनों को लेदर लेदर जीरो के इक्वल रखें, x माइनस 19 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। 19 उधर चला गया तो प्लस 19 हो गया, ये प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो गया, तो आपको दो आंसर मिल गए इसके, 19 और माइनस 8, ये इसका सॉल्यूशन है।